बाजारों की रौनक और खरीदारी के बाद महिलाएं पहुंचती हैं ब्यूटी पार्लर। आज हम पहुंचे हैं बरेली के ब्यूटी पार्लर में, जहां हमारे साथ कुछ महिलाएं यहां मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि किस तरह की उत्सुकता है, किस तरह की उनकी तैयारियां हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेघा शर्मा। मेघा जी, जानना चाहेंगे करवा चौथ का त्यौहार है, आपका कौन सा करवा चौथ? फर्स्ट करवा चौथ है, तो कुछ स्पेशल तैयारियाँ इसके लिए किस तरह से इसको मनाएंगी? कुछ स्पेशल तैयारी है, फर्स्ट करवा चौथ तो क्रेजी अलग होते हैं। मतलब एक तरीके से सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ फैमिली करती हैं, कुछ हमारी अदर फैमिली करती हैं। कुछ एक स्पेशल ऐसी तैयारियां रहती हैं कि एक उत्सुकता रहती है कि आप उसके इस दिन के लिए, साल में आने वाला एक पर्व है ये, एक बार एक पल ये होता है। मतलब इस चीज़ का जो एक्साइटमेंट होता है ना करवा चौथ का, वो बिल्कुल अलग ही होता है, अदर फेस्टिवल से भी अलग होता है। इसमें तैयारियाँ ये होती हैं अपने लिए, इंसान को मतलब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। वैसे तो वर्किंग डेज में हमें टाइम ही नहीं मिलता, बस एक करवा चौथ ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें हमें अपने लिए टाइम मिल जाता कुछ है। कुछ स्पेशल भी सोचा है आज के त्यौहार के लिए आपने? कुछ स्पेशल तो नहीं, बस ये फुल टाइम फैमिली के साथ। तमाम और मेरे साथ ऐसी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे इस बारे में। वहीं मेरे साथ मौजूद हैं पार्लर को संचालित करने वाली एक्सपर्ट। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां करवा चौथ के लिए उन्होंने की हैं और किस तरह से उनके यहाँ कस्टमर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है मैम? जी, मेरा नाम है फरहा। फरहा जी, जानना चाहेंगे कि करवा चौथ का त्यौहार है और दिनों के हिसाब से आज काम कैसा है और किस तरह से कस्टमर की एक उत्सुकता रहती है आपके यहाँ? सर, सुबह 10 बजे से ही यहाँ पे कस्टमरों की भीड़ लगी हुई है और एक के बाद एक क्लाइंट आ रहा है। हमें अपॉइंटमेंट लेने में भी टाइम नहीं लग पा रहा है, क्लाइंट पहले से ही आ जाते हैं कि हमें कटिंग करानी है, हमें वैक्सिंग करानी है, हमें फेशियल कराना है, इसलिए बहुत बिजी चल रहा है, सारा शेड्यूल बहुत बिजी है, हमें खुद टाइम नहीं मिल पाता है कि खाना भी खा लें हम लोग। कोई ऐसी उत्सुकता रहती है कस्टमर में कि त्यौहार आने से पहले से वो आपसे आके मिलते हैं, बातचीत करते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल, यहाँ पे पहले से ही क्लाइंट्स के अपॉइंटमेंट्स लगे रहते हैं और जाके हमने आपको बताया कि हमारा सलोन बहुत ज़्यादा फेमस है, 45 ईयर से चलता आ रहा है, तो उस वजह से वो लोग बहुत फेमस हैं। ये हैं हमारी शाइन बेगम, मिसेस शाइन बेगम, ये हमारी ओनर हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। जी, जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं, किस तरह से उत्सुकता है महिलाओं में त्यौहार को लेकर? आपको उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के काम करने में, बहुत अच्छा, ये लोग स्टाफ भी अच्छा काम कर रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं यहाँ पे सब लोग। कुछ स्पेशल आपने रखा है, कुछ स्कीम रखी है क्या महिलाओं के लिए करवा चौथ के लिए? हाँ जी, हमने पैकेज बना रखे हैं, जिस वजह से क्लाइंट को कस्टमाइज कर रखा है, तो क्लाइंट को वो पैकेज ईजीली लगते हैं और मतलब पैसे भी कुछ ही कमी करके बना देते हैं, तो क्लाइंट जो है खुश होकर जाता है और पैकेज पूरा क्रिएट करा लेता है। ये थे मेरे साथ पार्लर को संचालित करने वाली महिलाएं। इन्होंने करवा चौथ के त्यौहार को देखते हुए महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल पैकेज और कुछ स्पेशल सुविधाएं भी रखी हैं। कोरोना काल बीत जाने के बाद एक बार फिर त्योहारों में रौनक सी नज़र आ रही है। आज जब हमने घूमकर देखा और महिलाओं से बातचीत की तो उनमें त्यौहार को लेकर एक अलग ही उत्सुकता नज़र आई। और बात करें अगर पुलिस की व्यवस्था की तो पुलिस की भी मुस्तैदी जगह जगह पर लगी हुई है और पुलिस प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है। और बात करें अगर महिलाओं की तो महिलाओं की खरीदारी की और महिलाओं के फैशन और मेकअप की तो महिलाओं में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिली है। कोरोना काल के बाद अब फिर ऐसा समय आया है कि महिलाएं खुलकर सड़कों पर खरीदारी और घूम सकती हैं। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार। आज करवा चौथ का त्यौहार है और अगर आज की बात की जाए तो सुबह से ही बाजारों में भीड़ लगी हुई है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के राजनगर सेक्टर 10 की मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे किस तरह से दुकानों पर महिलाओं की भीड़ लगी है, सभी खरीदारी करने आई हुई हैं, तो मेहंदियाँ यहाँ पर लगवा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएं हैं लगातार मेहंदी यहाँ पर लगवा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गाज़ियाबाद के राजनगर सेक्टर 10 की तस्वीरें हैं और यहाँ आप देखेंगे किस तरह से जो भीड़ है वो उमड़ रही है, लगातार जो ग्राहक हैं वो दुकानदारों पर के पास पहुँच रहे हैं, सामान की खरीदारी कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू जी, किस तरह का माहौल है इस बार, क्योंकि कोरोना भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, किस तरह का माहौल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, लेडीज़ काफ़ी जागरूक हैं, मास्क वगैरह लगा के आ रही हैं, सैनिटाइज़र उनके पास है, लेकिन त्यौहार ही ऐसा है, मेहंदी तो लगवाएंगे। हाँ, अगर त्यौहार की बात की जाए तो किस तरह की सेल्स इस बार हो रही है, क्योंकि पिछली बार कोरोना के चलते धुल गया था, इस बार भी कोरोना है लेकिन कुछ छूटे हैं क्योंकि कोरोना कम है, तो उसको लेकर किस तरह का माहौल है? अच्छा, काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लास्ट ईयर तो लग नहीं पाई थी तो औरतों में काफ़ी जागरूकता है और वो लगवा रही है, खुशी खुशी मेहंदी लगवा रही है। अच्छा, अगर बात की जाए कोरोना से पहले की और अब की तो क्या डिफरेंस देखा? फ़र्क तो है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है।
तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मेहंदी लगवा रही हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अलग अलग तरह की मेहंदी यहाँ पर लगाई जा रही है, अलग डिमांड्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी कुछ महिलाएं मेहंदी लगा रही हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना बत्रा है। आज किस तरह का मतलब करवा चौथ है, किस तरह से हम मानते हैं, क्या आपकी ख्वाहिशें हैं, किस तरह से? बस सब लोग इसी तरह मेहंदी लगवाते रहें, कोरोना यहाँ से चला जाए और हम खुशी खुशी मेहंदी लगवाएं, हर साल करवा चौथ मनाएं, बस यही दुआ है भगवान जी से, बस और कुछ नहीं। तो बिल्कुल देखिए अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर भी भीड़ लगातार मौजूद है और यहाँ जो महिला यहाँ पर मेहंदी लगा रही हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? प्रेरणा नाम है मेरा। प्रेरणा जी, किस तरह की मेहंदी लगवा रही हैं आप, कौन सा डिज़ाइन है? ये ब्राइडल डिज़ाइन है, ब्राइडल मेहंदी है, करवा चौथ की खुशी में आज सब लेडीज मेहंदी लगवा रही है। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है, तो इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? ऐसा कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना डार्क होता है उतना अच्छा होता है। और इसके अलावा क्या ख्वाहिश रहेगी आपकी, क्या विशेष रहेंगी इस करवा चौथ को लेकर? बस यही है कि कोविड टाइम में सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, अब ये कोविड वापस ना आए और सब लोग हंसी खुशी मेहंदी लगवाएं। तो बिल्कुल देखिए ये सेक्टर 10 की मार्केट है, राजनगर की मार्केट है, यहाँ पर महिलाएं जो हैं बड़ी आसानी से मार्केट पहुँच रही हैं, अपने सारे जो प्रोटोकॉल हैं कोरोना को लेकर वो सबको देख कर मेहंदी लगवा रही हैं। और त्यौहार की अगर बात की जाए तो जहाँ पिछले साल बिल्कुल सुनसान था और इस बार भीड़ बाज़ारों में उमड़ी है। राजनगर की एक शॉप पर पहुँचे हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं ख़रीदारी कर रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे भी बात की जाए। जी, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले साल नहीं कर पाए थे करवा चौथ, इस तरह से करवा चौथ तो मनाया हुआ, लेकिन जो शॉपिंग करते हैं वो नहीं कर पाए होंगे, इस बार कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, इस बार बड़ा मज़ा आ रहा है, जैसे कि सब कुछ खुल गया है लॉकडाउन, तो इस बार शॉपिंग करने में भी मज़ा आ रहा है। लास्ट टाइम बिल्कुल कुछ नहीं खरीद पाए थे, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, तो इस बार मार्केट में रौनक हो गई, मेहंदी लगाना सब कुछ, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना सब कुछ ही खुल गया है। लास्ट ईयर कुछ भी नहीं था, खाने पीने को भी कुछ भी नहीं था। अच्छा, इस बार की बात की जाए, क्या क्या तैयारियाँ हो गई हैं आपकी? ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं तैयारियाँ, मेकअप हो गया है, मेहंदी हो गई और सूट वगैरह सब कुछ हो गया है, ड्रेसेस सब हो गई हैं, बस अब पूछने की तैयारी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो किस तरह की आपकी विशेष है कि इस त्यौहार को किस तरह से आप मनाएं, देश किस तरह से मनाए, अगर आपसे जानना चाहें? देश बहुत अच्छे से मनाएं, हम भी बहुत अच्छे से मनाएंगे, होपफुली नेक्स्ट ईयर और अच्छा से होए, अभी फिर भी लोगों में डर है कोरोना का, बट नेक्स्ट ईयर और अच्छे से मन जाए, सब जने बहुत अच्छे से इंजॉय करें, मनाएं अपना फेस्टिवल। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरह से महिलाएं बाजारों में जा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं और आज के करवा चौथ के त्यौहार को सही से मना रही हैं। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। जी हाँ, मैं प्रणवशी राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और आज पूरे देश में करवा चौथ का जो व्रत का महिमा बहुत बड़ा है और मैं काफी जो महिलाएं हैं जो करवा चौथ का व्रत करती है उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, जब करवा चौथ का व्रत का जो दिक्कतें होती और जो सामने आती है बातें, तो एकदम बॉलीवुड फिल्में याद आ जाती है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों में कहीं ना कहीं करवा चौथ का एक शॉर्ट दिखाया जाता है और सब लोग देखते हैं कि भाई करवा चौथ का व्रत जो है वो कहीं ना कहीं जो करोड़पति लोग होते हैं और बाकी जो पैसे वाले होते हैं वो ही करते हैं और वो ही दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करवा चौथ का व्रत हर लोग करते हैं और मैं ऐसी ही महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो करवा चौथ का व्रत उनके पतिदेवों के लिए करती है। तो मैं पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो करवा चौथ का व्रत आपने किया है, करवा चौथ का व्रत जो है उनकी महिमा क्या है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम बताएंगे? सुनीता। सुनीता मैम, करवा चौथ का जो व्रत है उनकी महिमा मुझे बताएंगे। ये व्रत सुहागन स्त्री करती है और खास इसलिए करती है कि उसके पति की उम्र बहुत लंबी हो और घर में सुख शांति रहे सब, इसलिए ये व्रत हर सुहागन स्त्री करना चाहती है। ये जो करवा चौथ का व्रत है आप कितने दिन से तैयारियां करती है और काफी उत्साह में रहते हैं सभी जो महिलाएं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत ही ऐसा है कि अपने पति देव के लिए कुछ ना कुछ मांगती रहती है भगवान के साथ, तो लेकिन ये तैयारियां कब से चलती है, क्योंकि काफी सजना ढजना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, मेहंदी लगाना पड़ता है, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? कम से कम 3-4 दिन से तो प्लानिंग चालू हो जाती है, मेहंदी लगानी है, इस बार कौन सी नई रेड साड़ी पहननी है, चूड़ा कौन सा डालना है, तो ये सब सारी तैयारी दिमाग में जैसे ही नवरात्रि खत्म होती है तो इस मूड में हम आ जाते हैं कि करवा चौथ जल्दी आ जाए और फिर से वापस जो माता जी में सजते धजते थे
ये करवा चौथ में भी सजना सवरना सोलह सिंगार करना, तो ये चार पांच दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। नवरात्र के मूड से जैसे ही हम बाहर आते हैं और तुरंत करवा चौथ याद आ जाती है कि हाँ अभी करना है, तैयार होना है। नहीं, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि जो नवरात्रि में गरबा खेलते हैं लेकिन गरबा में ध्यान नहीं होता है, उनका करवा चौथ पे ध्यान देता है क्योंकि सजना धजना है, मेकअप करवाना है और काफी सारा नई साड़ियां पहननी है, नए चूड़े डालना है, बिंदिया डालनी है, तो ये सारी चीजें है और होती है, साल भर इसी के लिए तैयारी करते लेकिन हैं। आज आपका लुक आपको बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि करवा चौथ का व्रत रखा है आपने, पतिदेव के लिए रखा है और काफी पतिदेव तो सजे नहीं होंगे लेकिन आप पूरे सजे हुए। बिल्कुल 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 सजना ही चाहिए, एक दिन तो ऐसा होता है कि उनका पूरा ध्यान हमारी और होना चाहिए, बस ये बात है। इनका ये जो है इसका मीनिंग क्या होता है, जो इनके अंदर आप पतिदेव का जो फेस देखते हो और फेस देखने के बाद क्या 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 भगवान से मन्नत मांगते हो? यही कि जैसे चंद्र की रोशनी चारों ओर फैलती और जो वो प्रकाश मैं करती है, मेरे पति की जिंदगी, मेरे पति का भविष्य जो भी है इतना प्रकाशमय हो, इतना आगे बढ़े, खूब तरक्की करे और खूब सुख शांति से हम रहे। अच्छा, काफी सराहनीय बात आपने बताई है, काफी और भी लोग जुड़ गए हैं, आपका नाम बताएंगे मैम? मेरा नाम है डॉक्टर तृप्ति गुप्ता। अच्छा, डॉक्टर भी है, देखिए डॉक्टर लोग भी व्रत करते हैं, ऐसा नहीं है डॉक्टर लोग सिर्फ मेडिकल में ही जाते हैं और दवाखाना। क्या क्या कहना चाहेंगे पतिदेव के लिए? पतिदेव की उम्र लंबी हो और उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो और अच्छा स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य तो आप संभालते ही हो। हाँ, इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसीलिए वो लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं तो फिर उनको पतिदेव का रखना ही पड़ेगा ना स्वास्थ्य। डेफिनेटली पतिदेव का रखना है। डॉक्टर है। अच्छा, तो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हाँ, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो तो उम्र भी लंबी हो और सुख शांति से हम जी सके। ये जो है व्रत एक्चुअली पतिदेव के लिए रखते हैं, काफी दिनों के पहले तैयारियां स्टार्ट करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं व्रत में एक महत्वाकांक्षा ऐसी रहती है कि पतिदेव की लंबी उम्र हो, सुख शांति मिले, घर में शांति आए, उनके बारे में आप पहले से सोचते होंगे? हाँ, जरूर सोचते हैं। हर स्त्री अपने घर में अपने पति की लंबी उम्र, घर में सुख शांति और घर में सब बच्चे और सब सुख से जिए, वो सब स्त्री यही चाहती है, मनोकामनाएं वही रहती है। लेकिन आपकी जो पतिदेव की लंबी उम्र उम्र तो कितने साल हो गए शादी के? शादी के 30 साल हो गए। 30 साल काफी हो गए भाई? नहीं, काफी नहीं है। 7 जन्म तो अभी दोबारा यहाँ से जाएंगे तो दूसरा जन्म आपके साथ में ही लेना है। साथ में ही रहना है। दूसरे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैम आपका भी हार्दिक स्वागत है, आपका नाम बताइए। मीता गुप्ता। मीता जी क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज आपने जो व्रत रखा है काफी महिमा है, पूरे देश में जो महिलाएं है इस व्रत की काफी चर्चाएं भी होती है और काफी ये प्रख्यात भी है जो व्रत है करवा चौथ, काफी फिल्मों में देखा गया है लेकिन जो ओरिजिनल लाइफ में जो फिल्मों में तो सिर्फ एक एक्टिंग रहती है लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है आप रखते हो व्रत, आप महसूस करते हो क्योंकि फास्टिंग भी आप करते हो, तो क्या कहना चाहेंगे? पति की लंबी उम्र और निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, वही कामना करते हैं भगवान से और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे बस ऐसे ही हम के वो सदा सुखी रखे और दोनों का साथ बनाए रखे। दोनों का साथ जन्म। क्या कहना चाहेंगे, आपका भी हार्दिक स्वागत है, आपका नाम बताएंगे? आप तो देखो अभी से पसीना पसीना हो गए क्योंकि व्रत तो रख लिया है लेकिन पसीना ज्यादा आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पति की लंबी उम्र और कुछ नहीं चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए क्यों? बच्चे है ना, बच्चे का भी कुछ, बच्चे को तो सब अपना संभालता है, हमें तो हमारा पति का ही अच्छा होना वही हमारे लिए अच्छा है, पति का ही चाहिए। मैम आप आ जाइए, आपका भी हार्दिक स्वागत है, आप भी काफी सुंदर लग रहे हो लेकिन आपका नाम बताएंगे? रक्षा रावल। रक्षा जी आप तो ब्राह्मण है? हाँ जी। तो ब्राह्मणों में तो ये महिमा काफी रहेगा। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज आपने व्रत रखा है काफी महिमा है व्रत का, इनके बारे में कुछ कोई स्टोरी होगा कुछ, ये व्रत किसके लिए रखा जाता है, क्या है उसका महिमा, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये तो वैसे तो पति के लिए होता है कि पति की और पूरा फैमिली में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी का अटूट संबंध हमेशा के लिए रहे, कोई भी दिक्कत ना आए, सुख शांति रहे, पैसे की कोई भी, और ये भगवान को प्रार्थना भी यही करते हैं पूरा दिन, भगवान भी एनर्जी देता है, कुछ खाया पिया नहीं होता है फिर भी एनर्जी देता है कि तुम दिल से कर रहे हो तो
कर भी सकते हो, पूरा दिन रात तक कुछ भी नहीं लोगे तो भी चलेगा। लेकिन लेकिन आप बोलते हो पूरे दिन खाना नहीं खाते, निजड़ा उपवास करते, लेकिन सास तो खिलाती है ना आपको रात को? सुबह खिलाती है और रात को चंद्र जब होता है सूर्यास्त के बाद पति पानी पिलाता है, उसके बाद उपवास टूटता है। आप ब्राह्मण हो, जो पूजा करते हो आप पति देव की, किस प्रकार से करते हो? उस दिन रात की बात कर रहा हूँ। उनको वो छलनी में देखते है, उनका पूजा का तिलक लगाते हैं, हर फूल चढ़ाते सर पे और वो हमको पानी पिलाते। फास्टिंग आप भी रखते हो तो पतिदेव को भी बोलना चाहिए ना कि आपको भी रखना है। कभी कभी रखते हैं, कभी कभी। त्योहार आने वाले हैं, किस तरह की दुकानदारी चल रही है इस समय? तो आप देख सकते हैं कि भीड़ थोड़ी बढ़ी हुई है, कल इससे ज्यादा थी। अब जाहिर सी बात है करवा चौथ का व्रत है जो मुख्य त्यौहार होता है महिलाओं का, जिसमें व्रत रखती हैं अपने पतियों के लिए। तो साड़ियाँ बिक रही हैं हमारे पास, जर्जरी की है और नेट पे है और बूटी पे है और प्रिंटेड पे बहुत सारा माल बिक रहा है। आगे त्यौहार भी है और त्यौहार को देखते हुए भीड़ जाहिर सी बात बढ़नी शुरू हुई है। और जो इधर दो साल से दुकानदारी थोड़ी डाउन चल रही थी, अब इधर साल भर से कोरोना का कहर जारी था, तो कोरोना की महामारी में भी बहुत से बहुत दुकानदारी डाउन हुई। हर आदमी परेशान है, लेकिन त्यौहार जब आते हैं तो आदमी जो है अपने जेब काट काट के रखता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन इस बार दो तीन साल के मुकाबले इस बार थोड़ी डाउन है, ये चीज़ चल रही है। बाकी देखते हैं, आगे त्यौहार भी है और सालक भी है और क्या नाम दिवाली है और सालक, देखते हैं आगे भीड़ भाड़ चलती रहेगी तो हिसाब का बनता रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं हमारे पास साड़ियाँ लगी हुई हैं सब, प्रिंटेड पर कढ़ाई हुई है। इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर है, करवा चौथ का त्यौहार चल रहा है और दो साल से तो थोड़ा बहुत डाउन चल ही रहा था, इस बार थोड़ी चहल पहल देखने को भी मिल रही है, ज़ोर शोर से थोड़ी ख़रीदारी भी हो रही है जरकन की और डिमांड भी बढ़ गई है चूड़ियों की, कंगना भी खूब बिक रहा है, चूड़ा भी इस समय खूब कायदे से बिक रहा है। करवा चौथ का त्यौहार है ये और इसमें जो है सब चूड़े वगैरह इस समय बहुत ज़्यादा मैचिंग चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा चल रही हैं। हमारे पास जरकन के कड़े हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, मैचिंग शर्ट मेटल की वेलवेट वाली ये सब चल रही हैं आजकल। इस समय सबसे ज़्यादा चूड़े की मांग चल रही है, हाफ कट चूड़ा, फुल वाला, इस टाइप के सारे चूड़े चल रहे हैं, चूड़े मैचिंग चूड़ियाँ। थोड़ा ढीला आया तो हाँ, ये डेंगू का असर चल रहा है, बीमारी में घर घर खाट पड़ी हुई है, क्या करे आदमी। देहात क्षेत्र है सर, तो कोई जो 100 रुपये खर्च करने वाला है प्रयास में काम चला रहा है अपना, और कहते हैं कि महंगाई जो है चरम सीमा पर है, हालांकि किस तरीके से महंगाई की मार करवा चौथ को लेकर है उसी पे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामनी चौहान जी। आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन के बाद ये पहला त्यौहार है, क्यों मनाया जाता है ये? पति की लंबी आयु के लिए मनाते हैं सारी लेडीज, के हस्बैंड की लंबी आयु। कब है ये त्यौहार? ये 24 अक्टूबर यही कल है। आज आप लोग खरीदारी यहाँ पे जी, क्या महंगाई की मार है इस त्यौहार पर? नहीं, महंगाई तो आप सभी लोग जानते हैं है ही ऑलरेडी, लेकिन कोई भी त्यौहार मनाना छोड़ता नहीं है ना, बेशक महंगाई हो लेकिन त्यौहार तो मनाते ही रहेंगे। बजट तो गड़बड़ाया है महंगाई। बिल्कुल, बजट तो सबका ही गड़बड़ाया है। पहले आप जो खरीदारी करते होंगी वो ज़्यादा पैसे की करते होंगी, हालांकि वो जो अब जो खरीदारी कर रहे हैं उसमें क्या अंतर आप देखने को मिले? एक्चुअली अंतर कुछ भी नहीं है, हम लोग तो वैसे ही खरीदारी करते रहेंगे, लेकिन हाँ पहले से ना महंगाई काफ़ी है। पहले से महंगाई जी, रसोई का बजट गड़बड़ाया है जी, सभी का गड़बड़ाया है, का भी गड़बड़ाया है, रसोई का, गैस का, पेट्रोल का, ये तो सभी जानते हैं, सबका ही गड़बड़ाया हुआ है जी। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे जी। आंटी क्या नाम, क्या 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 नाम है आपका? क्या नाम? सीमा यादव। कल करवा चौथ का त्यौहार है, आप खरीदारी कर रहे हैं, महंगाई का भी बढ़ गई है, इस करवा चौथ के त्यौहार पर महंगाई की मार है क्या आपके साथ? हाँ, हमारे लिए तो बहुत है जी। कितनी महंगाई है? हमारे बजट से काफ़ी ज़्यादा है। जो आपकी रसोई है उसका बजट गड़बड़ाया है क्या? हाँ, रसोई का भी गड़बड़ाया है। देखिए और भी महिलाएं बहनें हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। दीदी क्या नाम है? प्रियंका। कल करवा चौथ का त्यौहार है, क्यों मनाया जाता है? पति की लंबी आयु के लिए। पति की लंबी आयु के लिए।
हालांकि कोरोना के बाद लॉकडाउन लग गया था और पूरा देश बंद हो गया था। आज ये पहला त्यौहार है जबकि लॉकडाउन हट गया है और बाजारों में भीड़ है बहुत, महंगाई भी काफ़ी है, तो क्या लगता है आपको महंगाई पर? महंगाई तो काफ़ी हो गई है लॉकडाउन की वजह से, इसमें अंतर मिल रहा है देखने को। तो सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया, बजट गड़बड़ा गया। त्योहारों पे असर आप देख रही है? त्योहारों पे महंगाई बहुत कर दी, बहुत महंगाई हो गई, इससे लिया भी नहीं जा रहा है, ऐसे मान लो सबसे ज्यादा ये करे हुए हैं। ये बताइए कोरोना के बाद ये पहला करवा चौथ है जिस समय लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल चुका है, बाजारों में भीड़ है, करवा चौथ का त्यौहार है, क्या लग रहा है आपको महिलाओं की कैसी भीड़ इस बढ़ती हुई महंगाई में के बावजूद भी देखने को मिल रही है? भीड़ तो देखने को मिल रही है लेकिन सेलिंग नहीं है, पैसा नहीं है कस्टमर के पास, ये डेंगू भेंगू की बीमारी में सब खर्च हो गया, कस्टमर के पास पैसा नहीं है बिल्कुल, इसलिए सेल कम है, दुकानदार बैठे सो लगाए हुए सेल कम है। पहले सेल कितनी हो जाया करती? पहले सेल बहुत अच्छी होती थी, इस टाइम सेल कम है। अच्छा, जो साड़ियों की कीमत है वो पहले बहुत अच्छी कीमत की साड़ियाँ आपकी बिकती होंगी, लेकिन आप लोग कैसा कैसी साड़ी? मीडियम साड़ी मांग रहे हैं। मीडियम जी हाँ। कल करवा चौथ का त्यौहार है, आप लोग साड़ी पसंद कर रहे हैं, क्या रेट की साड़ियाँ ले रहे हैं? हम 750-800 ले रहे हैं। 700-800 की। पहले कितने के लेती थी? महंगाई है क्या? जो महंगाई है ही भाई, पहले जो अभी 700 रुपए की ले रहे हैं हम, महंगाई नहीं, वो पहले 400 में 500 में आ जाती थी, जो अब हम 700 रुपए की ले रहे हैं। मतलब हर चीज में महंगाई, हर चीज में ही महंगाई है अंकल, ये बात तो आपकी सही है। ये बताइए हर चीज महंगाई, घर का बजट भी गड़बड़ा गया होगा बहुत, नेक ने भाई जब बात में कोई नहीं है, शक नहीं है, बहुत गड़बड़ाएगा वो, ऐसे मान लो। फिर कैसे खरीदारी? अभी मेरा बेटा 8 दिन भर्ती रख के लाया हूँ मैं अस्पताल से, प्राइवेट इलाज नहीं करा पाया मैंने, सरकारी में भर्ती कराया, परसों ही छुट्टी करा के लाया, और बजट इतना ख़राब है, मैंने गल्ला बेच के आज पैसा खरीद लेके आया हूँ। काफ़ी साल पुरानी, बाबा के जमाने की। अच्छा, कोरोना काल के बाद अब ये पहला करवा चौथ का त्यौहार आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको जो पहले महंगाई या महंगाई इसमें चरम सीमा पे है, तो क्या लगता है आपको जो महंगाई की मार इस करवा चौथ से देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है, काफ़ी महंगाई की मार है, और सोना चांदी दोनों बढ़े हुए हैं, जो सेल पहले थी वो सेल अब नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ा है। जो भीड़ आप पहले ग्राहकों की, हाँ वो अब नहीं देखने को मिल रही है, पहले बहुत काफ़ी भीड़ रहती थी। महिलाएं वो अपना बजट देके कर रही हैं, पहले हमें और कुछ करना है, सोना चांदी बहुत महंगा है आज के टाइम में, उसे देख के महिलाएं अपना वो कर रही हैं, छोटा मोटा आइटम ले जा रही हैं, जो पहले ले जाती थी सोना चांदी का आइटम बड़ा वो नहीं ले रही है। शगुन कर रहे हैं। हाँ, बस वो शगुन के जो बिछिया लेने होते हैं, हल्के फुल्के बिछिया ले जाती हैं, थोड़ी बहुत पहले ले, मतलब जो पहले जैसा कुछ नहीं रहा अब। हाँ, अंतर तो है इस समय, इसलिए अंतर है कि इस समय डेंगू चल रहा है ना, कोरोना का सब तो कटा गया चला गया, लेकिन अब इस समय हर घर में एक पेशेंट डेंगू का है, इसलिए फ़र्क पड़ा है, काफ़ी बहुत फर्क पड़ा है। जो पहले आता था, जो पहले हम लोगों की सेल होती थी, उसमें काफ़ी परसेंटेज अंतर आया है, बहुत अंतर आया है। तो आप मानती हैं कि इस करवा चौथ के त्यौहार पर महंगाई हावी है? हाँ बिल्कुल, काफ़ी पहले बिक्री होती थी, अब वो आज पहले 5,000-10,000 तक की साड़ी बिकती थी, अब सिर्फ 1,000-1,500-2,000 तक की, उससे ऊपर की सेल नहीं हो रही है। लोग लेने आ रहे हैं लेकिन बजट के अनुसार, बजट कम हो गया उनका, बहुत बजट कम हो गया है, जो 1,000 बाई लेते थे वो 500 बाई लेने लगे हैं। जी, क्या लगता है रसोई, जो आपकी रसोई है उस पर भी असर पड़ा है इस महंगाई का? रसोई पे तो नहीं ज़्यादा असर पड़ा है, रसोई तो खाने में तो कोई नहीं इतना मतलब नहीं है। हाँ, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, जो मिडिल क्लास ज़्यादा लोअर क्लास उनको पे तो फर्क पड़ा ही है। नहीं, महंगाई की मार तो 100% है, क्योंकि कोरोना से 2 साल से ग्रसित हैं, पेट्रोल डीजल खाने पीने की हर चीज़ महंगी है, आदमी अपना जीवन यापन उससे पहले चलाएगा, साड़ी या कपड़ा तो बाद में खरीदेगा। क्या ये महंगाई है पूरी तरीके से? बिल्कुल महंगाई है, मैं तो चाहता हूँ महंगाई पे लगाम लगना चाहिए। आखिर क्या कर रहे हैं जो लगाम नहीं लग? नहीं, गवर्नमेंट की थोड़ी कमजोरी माने या राजनीति, लोगों की हर दल की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसके लिए हर दल को चाहिए कि हमको महंगाई पे अनशन करें या कुछ भी करें, मध्यम वर्ग का आदमी या रोज़ कमाने वाला आदमी जो है उसे
अपनी रोटी कमाना है, रोटी के लिए पैसा चाहिए और वो नहीं हो पा रहा। कोरोना का मरा हुआ आदमी है इस वक्त बहुत ज़्यादा। क्या सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है, ये महंगाई की मार नहीं? सरकार की इच्छा शक्ति मान लें हम इसको कि कमी मान लें, लेकिन हमें समझता हूँ कि कुछ प्रयास प्रशासन या शासन की तरफ से नहीं हो पा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मेरी एज 26 साल हो गई है। मेरे बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ सती मैया सती हुई थी, और मैंने बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि यहाँ पूजा सब लोग करने आते हैं और कोई जैसे रहता है व्रत नहीं रह पाता है कोई लोग। मतलब जो मोहल्ला है जो भगा, यहाँ की महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती? नहीं रखती, कोई भी नहीं रखती है। तो कारण क्या रहा है? कुछ जो नई महिलाएं जो शादी होके आती हैं उनके अरमान रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चर्चा रहती है कि हम क्यों नहीं रहते हैं? उन्होंने पूछते हैं अपने घर वालों को मैंने कि हम क्यों नहीं व्रत रहते हैं, तो वो लोग बताते हैं अपने माता बहने कि ये इस कारण नहीं रह पाते हम व्रती। सती का जो श्राप है वो आज भी इस मोहल्ले में है। परंपरा चली आ रही है, देखो बहुत दिन से यहाँ पे मनाई नहीं जाती है, लेकिन अब तो शौक श्रृंगार अब सब कुछ माता रानी की कृपा थी। अब तो सीरी सामने है कहीं खूब माता रानी कृपा से सब कर लेते हैं लेडीज ने, पहले तो श्रृंगार भी नहीं करती थी। और मेरी शादी है तो कम से कम 26-27 साल चल रही है, व्रत तो रहते नहीं कोई भी यहाँ, बड़ी बूढ़ी या कोई मतलब अब ये नव विवाहता आ रही है व्रत नहीं रखती कोई भी, मतलब श्रृंगार वगैरह तो। हाँ, परिवार ऐसे हैं जो करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं यहाँ पे? तो मतलब ठाकुरन के घर है? हाँ 150-200 तो होंगे शायद। हाँ है इतनी, हाँ पूरा ही थोक है हमारा, मतलब ठाकुर परिवार हमारा इतना है 200, हाँ 200 तो होंगे, 200 करीब उनमें करवा चौथ हाँ मनाई नहीं जाती है। अष्टमी का भी बताते हैं कि नहीं रखते? नहीं, अगोई अष्टमी का हमने तो है, और इन ये डॉक्टर नियत गाय इन्हें शुरू कर दियो मतलब ऐसी कोई 10-12 साल से, तो अगोई अष्टमी का तो व्रत रख लेते हैं, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखते। कुछ अनहोनी की आशंका रहती है, क्या रहता है? हाँ आशंका इन्हीं की मतलब भय रहती है ना शुरू से, बड़ी बूढ़ी बताती हैं कि ऐसे मतलब यहाँ पे विधवा लेडीज और छिछापरी है गई पहले जो नई जवान जवान हुई, तो जब ऐसे मतलब के ये बता रही हैं बड़ी बूढ़ी के ऐसे कह के मरी सती माता को मतलब श्राप लगा हुआ ना जी, जब ऐसे मतलब व्रत नहीं। किसी ने प्रयास किया करवा चौथ का व्रत रखने का? किया था यहाँ पे एक लेडीज, तो उनने बता में के उनका पति मतलब पागल है गई। करवा चौथ के लेके क्या कुछ तैयारियाँ? कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से त्यौहार मनाया जाता है, क्या खुशी होती है। क्या नाम है आपका? जी प्रीति गंगवार। प्रीति, जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो करवा चौथ की बात चल रही है, ये जो त्यौहार होता है किस तरीके से मनाया जाता है, क्या मान्यता है इसको लेके? जी मान्यता तो ये है कि हम सभी औरतें इस त्यौहार को बहुत ही मतलब हर्षोल्लास से मनाती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, तो इस दिन के लिए हम लोग बहुत अच्छे से सजते हैं संवरते हैं मेहंदी लगाते हैं और पूरा श्रृंगार 16 श्रृंगार करती हैं औरतें, और मतलब कुछ निर्जला व्रत होता है ये रात को, हम लोग चांद देख के पूरा सज सवर के अपने मतलब पति की लंबी आयु के लिए हम लोग फिर व्रत खोलते हैं रात को, उनके हाथ से ही पानी पी के ये व्रत खोला जाता है, और यही मान्यता है हमारे धर्म। क्या विधि विधान है इसको करने? विधि विधान ये है कि हम सब औरतें मतलब सुबह उठते किस तरीके पूजा पाठ? जी जी सुबह उठते हैं, फिर हम लोग नहा धो के अपना कथा वगैरह पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत ये रखा जाता है, कुछ खाया नहीं जाता है इस व्रत में, और फिर शाम को हम लोग पूरा अपना खाना वगैरह भोजन वगैरह बना के पूजा की थाली तैयार करते हैं, फिर अपना रात में चांद देख के व्रत खोला जाता है। और जानना चाहिए कुछ कुंवारी लड़कियां भी इसको रखती हैं? अच्छा पति भी इसको व्रत को रख सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, इस व्रत को कोई भी रख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें ही इस व्रत को रखेंगी, आदमी भी रख सकते हैं, आदमी भी अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें ही, दोनों लोग मिलके इस व्रत को कोई भी रख सकते हैं, पति पत्नी दोनों। जी जी बिल्कुल, कोई भी इस व्रत को। कुंवारी लड़कियों के लिए? कुंवारी लड़कियों का है ये, वो इसलिए रखती हैं कि उनके जो मतलब पति जो उनके मिलने वाले हैं या जो होने वाले हैं उनकी लंबी आयु के लिए, या फिर अच्छा पति उन्हें मिले, हाँ उन्हें अच्छा वर मिले, इसके लिए भी ये व्रत की मान्यता है। जिस तरीके से हमने बात की, जाना कि किस तरीके से व्रत रखा जाता है और क्या क्या इसका विधि विधान है, ये करवा चौथ का जो व्रत है किस तरीके से मनाया जाता है, क्या मान्यता है इसकी? ये मानता है इंडिया का सबसे अच्छा फेस्टिवल है ये, हम लेडीज़ें अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाते हैं, जो कि एक दिन पहले से तैयारियां शुरू होती हैं, इसमें हाथों में हम लोग मेहंदी वगैरह लगा के और एक दिन पहले तैयार करते हैं, फिर अगले दिन हम अच्छी अच्छी स्वीट्स वगैरह या पकवान वगैरह बना के, और निर्जल व्रत ये रखा जाता है पति की लंबी उम्र के लिए मेन,
तो इसको फिर रात में जब चंद्रमा निकलता है उसको देख कर ही हम पानी पीते हैं और उनके हाथ से ही जल ग्रहण किया जाता है। और क्या विधि विधान है इसको करने का? विधि विधान यही है कि जिस दिन व्रत शुरू होता है एक दिन पहले जो होती है मदर इल्ला हमारी सारगी हमें देती हैं खाने के लिए, जो कि हम लोग सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में खाते हैं और उसके बाद सुबह से ये व्रत स्टार्ट हो जाता है। फिर दिन भर जो होता है खाना वगैरह बना के जाता है, फिर शाम को इवनिंग में मतलब पूजा की थाली में जैसे करवा हो गया, चलनी हो गई, खाने की वस्तुएं हो गई और मिठाई हो गई, ये सब लेके हम छत पर जाकर और एक चंद्रमा बनाया जाता है। उसके बाद हम अर्ध देके चंद्रमा को जब चाँद निकल आता है तो उसको चलनी में दिया रख के देख के दर्शन करते हैं और पति का फेस देखने के बाद उनके हाथ से ही जल ग्रहण करके व्रत को खोलते हैं। करवा चौथ का जो त्यौहार है किस तरीके से मनाया जाता है, क्या विधि विधान है और क्या कुछ होता है? करवा चौथ के दिन यह त्यौहार कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सास के द्वारा बहू को सरगी दी जाती है सुबह 4 बजे के टाइम। इस दिन बहू और सास दोनों मिलकर अच्छे से पूजा करते हैं, दिन भर व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। कुछ पति ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी के लिए भी व्रत रखते हैं। इस दिन औरतें पूरा 7 श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होकर शाम को चंद्र देवता की पूजा करते हैं और उसे अर्घ देते हैं। इस दिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। अच्छा, कुछ और भी खास विशेष होता है इस पर्व को? क्या पूरे दिन किस तरीके व्रत रखा जाता है, निर्जल रखा जाता है, क्या रखा जाता है? ये व्रत पूरा निर्जल रखा जाता है, ना इसमें पानी चाय कुछ खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया जाता है। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें, क्या कुछ कहना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा देवी। जिस तरीके से जो करवा चौथ का जो त्यौहार है क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है, क्या पूजा का विधि विधान है इसका? पति की लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और मतलब पानी भी नहीं इसमें पिया जाता है और लंबी उम्र हो पति की, इसलिए रखा जाता है। विधि विधान क्या, किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है? मतलब सुबह से तो व्रत होता है, उसके बाद शाम को तैयार होके और मतलब कलश होता है वो मतलब क्या क्या सामग्री जो है इसमें लगती है पूजा की? इसमें पूड़ी होती है और उसके चावल के होते हैं और यही सब होता है। अच्छा, कुछ जलेबी खाने का भी कोई रिवाज होता है? हाँ, शाम को मतलब करवा चौथ के एक दिन पहले का? नहीं, एक दिन पहले नहीं, शाम को मतलब 8 बजे के बाद जलेबी खा सकते हैं, खाते हैं। जो त्यौहार है उसको लेकर तमाम बाजार जो है सज चुके हैं और जो है इसकी जो है तैयारियां जो है जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे, जानेंगे क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम है। सोनम, जिस तरीके से त्यौहार की बात चल रही है करवा चौथ का, क्यों मनाया जाता है, क्या किस तरीके से ये मनाया जाता है? ये त्यौहार हम अपने पति के लिए मनाते हैं, बहुत एक्साइटेड लोग होते हैं, व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, इसलिए हम मनाते हैं, पूजा करते हैं। किस तरीके और क्या क्या तैयारियाँ करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, तैयार होते हैं, सजते संवरते हैं, इसीलिए मनाया जाता है। मेहंदी वगैरह भी? जी जी, फेशियल वगैरह, मेहंदी जो भी है, श्रृंगार का सामान सारा कुछ करते हैं, सभी कुछ करते हैं। जी फिर किस तरीके से त्यौहार जो है जो मनाया जाता है, किस तरीके से तोड़ा जाता है? किस हम रात को पूजा करते हैं, चांद को अर्घ देते हैं, उसके बाद हम लोग व्रत खोलते हैं। और भी महिलाएं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आपके। कैसे मनाया जाता है त्यौहार? ये त्यौहार बहुत धूमधाम से लेडीज मनाती हैं, सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं करवा चौथ के लिए, आखिर उनके हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए भी होता है, चांद देख के व्रत खोला जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। खाते पीते हैं कुछ? पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं, निर्जल व्रत होता है, फिर शाम को चांद देखकर ही जो कुछ खाया जाता है वो खाया जाता है, हस्बैंड पानी पिला के व्रत खोल। जिस तरीके से हमने बात की लोगों से, जाना कि किस तरीके से ये व्रत मनाया जाता है और इसकी क्या तैयारियाँ जो हैं लगभग शुरू कर दी जाती हैं। पीलीभीत से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रांजल गुप्ता हूँ।